so now i'm going to explain you what is manual jewelry designing manual jewelry designing is a practice of creating distinctive uh, designs creative designs so uh, actually what we do our brain is an observer so whatever we observe whatever we are absorbing from our atmosphere we are storing it in our brain एंड वेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ द पेपर वी पोर इट आउट ऑन द पेपर तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चल रहे हैं वी टेक इट आउट ऑन द पेपर एंड दोज क्रिएटिव आइडियाज वट एवर वी हैव इन आवर ब्रेन वेन वी टेक इट आउट ऑन पेपर दैट बिकम्स अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनअल ज्यूलरी डिजाइनिंग जहाँ पे हम लोग पेंसिल पेपर और इरेजर यूज करके वी मेक वी क्रिएट न्यू डिज़ाइंस अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वॉट इज जूलरी डिजाइनिंग वॉट आर जूलरीज इफ़ आई टेल यू कि जूलरी कब आया मार्केट में लाइक वेन डिड यू गॉट टू नो अबाउट द जूलरीज देन आई हैव टू गो वेरी बैक लाइक अराउंड सेवन थाउजेंड यर्स बैक वो पुराने जो प्रिमिटिव डेज है इन दोज डेज वॉट पीपल यूज टू डू इफ इफ वी विजिट द प्री हिस्टोरिक पीरियड वहाँ पे आप जाके देखोगे पीपल यूज एनिमल बोन्स एनिमल शेल्स स्टोन्स को क्या करते थे रस्सी से बांध के गले में पहनते थे हाथ में पहनते थे दूस वे देर वे ऑफ डेकोरेटिंग दैमसेल्वस ना ग्रेजुअली पीपल स्टार्ट नोइंग अबाउट द मेटल प्रिशियस मेटल्स ओके दिस इज प्रिशियस मेटल्स दिस आर प्रिशियस स्टोन्स दैन धीरे धीरे इफ़ यू विजिट द हरप्पन सिविलाइजेशन मिसोपोटम सिविलाइजेशन दैन यू विल गेट टू नो दैट दो पीपल यूज द मेटल ज्वेलरीज धीरे धीरे लोग और भी जानना शुरू किया दे स्टार्टेड नोइंग अबाउट द जेम स्टोन कटिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स मार्केट में आए जैसे इन वी टीच आर स्टूडेंट्स पियर शेप जेम स्टोन मार्किस शेप एमरल कट सो दीज आर द डिफरेंट कट्स दैट हैज कम इन टू द मार्केट सो पीपल स्टार्टेड नोइंग अबाउट दिस कट्स

revolution, what are the uh, changes that has come into the market. so now i'm going to tell you like jewelry designing, mein rose nene designs se hum log aate hain. see, in the very beginning i told you all, we absorb, our brain absorbs from the atmosphere, whatever is going on around us, we uh, our brain absorbs those things and when we sit in front of a blank paper, we start creating the designs.

सपोज नेचर के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं मानसून द मानसून मंथ इफ़ यू टेक मानसून मंथ मानसून मंथ में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे लाइक यू कैन से द रन ड्रॉपलेट्स वी कैन गेट द ग्रीनरी हम लोगों को मिल रहा है यू कैन टेक द कलरफुल बटरफ्लाइज ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वी टेक फ्रॉम द मानसून टॉपिक ये जो टॉपिक है हमारे पास मानसून विच वी आर गेटिंग फ्राम दोर्स ऑफ इंस्पिडन दैट इज़ नेचर ये सभी को हम लोग एक जगह पर जॉट डाउन करके वेन वी सेट डाउन फॉर मेकिंग आर डिजाइन ओवर देर वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इफ सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंडेंट हम लोग एक पेंडेंट बना रहे हैं तो पेंडेंट में वी कैन यूज अ स्मॉल बटरफ्लाई वहाँ पे हम लोग बटरफ्लाई का जो कलर color, कलर्स है डिफरेंट कलर्स है वो उसको हम लोग मीनाकारी में यूज कर सकते हैं we can use different colors, butterfly, colors, usko, gemstone, colorful gemstones. use kar sakte hai. Jo water droplets, hai, we can represent the water droplets with diamonds. so these are the different things we can uh, use for the source of inspiration, that is nature. in the regular jewelry market, generally, there are six different types of jewelry items, which are generally used for all the occasions, uh, like wedding, anniversaries, and these are, ंग्स पेंडेंस इयर रिंग्स ब्रेसलेट्स बैंगल्स एंड नेकलसेस जैसे मैंने अभी बताया अबाउट दिक्कस डिफरेंट जूलरी सेगमेंट्स उस हर एक सेगमेंट के अंडर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब टॉपिक्स टॉपिक्स जैसे अंडर यू कैन सी देर आर डिफरेंट सब टॉपिक्स लाइक देर आर कॉकटेल रिंग देर आर क्लस्टर रिंग्स देर आर जेंट्स रिंग देर आर वेस्टर्न रिंग देर आर टर्किश रिंग So, जैसे रिंग के अंडर है वैसे सारे जो सेगमेंट्स आप लोगों को बताया वे सारे सेगमेंट्स के अंडर देर आर डिफरेंट सब टॉपिक्स इन अकनर इन आचरी ज्वेलर अकेडमी इन दिस ज्वेलरी मार्केट देर आर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आइटम्स विच आर मोस्टली यूज इन द जूलरी मार्केट लाइक इन द रेगुलर बेसिस रेगुलर जो ओकेशन पे पीपल खरीदते हैं जो लोग खरीदते हैं जो uh, यूज होता है सो ऑल दिस 25 फाइव टू थर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आइटम्स आर टॉट इन ज्वेल अकेडमी इन एन यूनिक एंड इन अ स्पेशल विद स्पेशल केयर नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ज्वेलरी मार्केट ज्वेलरी मार्केट को अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट विद द इंडियन ज्वेलरी मार्केट इंडियन ज्वेलरी मार्केट जो है दैट इज इंडिया इज अ वर्सेटाइल कंट्री और अगर आप लोग जोन में डिवाइड करेंगे इफ़ वी गो टू द नॉर्थ जोन नॉर्थ में आप देखेंगे तो नॉर्थ में पोलकी का काम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इफ़ वी गो टू द साउथ साउथ में आप देखेंगे टेम्पल ज्वेलरी हैवी वेट ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है इफ़ वी गो टू द वेस्ट वेस्ट में कुछ अलग से डिज़ाइंस यूज़ होता है इफ़ यू गो टू द ईस्ट यू विल सी डिफरेंट डिज़ाइंस तो हर एक जोन में अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ होता है ये तो गया हमारे इंडियन डिजाइंस इंडियन कल्चर का इंडियन लोगों uh, का जो टेस्ट है इंडियन टेस्ट के हिसाब से हम लोग जो डिज़ाइन है वो बताया नाउ लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल स्टाइल अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इंडियन uh, डिजाइंस को ही लेके जाएंगे हम लोग लेके जाके वील प्रजेंटिड इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बट इट विल बी डिफरेंट हर एक जोन का हर एक कल्चर का अलग अलग टेस्ट होता है इफ़ यू गो टू द सिंगापुर यू विल गेट सम डिफरेंट स्टाइल्स इफ़ यू गो टू द अदर कंट्रीज लाइक यू कैन से इफ़ यू गो टू लंडन यूल सी सम विक्टोरियन टेस्ट पीपल प्रेफर्स विक्टोरियन टाइप्स ऑफ जुलरी तो हर एक जगह के हर एक लोकेशन के हर एक जोन के अलग अलग टेस्ट होता है सो ये जो हर जोनल बेस्ड जो अलग डिज़ाइन चेंज होता है वी ट्रेन आर स्टूडेंट्स इन सच अ मैनर दैट वेर एवर दे आर प्लेस्ड वो इंडियन मार्केट बोलिए आप अब्रॉड बोलिए जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को प्लेस करेंगे दे विल गिव देयर एक्सलेंट परफॉर्मेंस सो आई होप This video will give you a general idea about how manual jewelry designing works in the jewelry market, and it will give you a clarity on how to choose your career as a manual jewelry designer. For further details, stay tuned with Archery Jewel Academy. Thank you.